सलामुअलैकुम। मैं बी सी अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल पार्ट 3। आज हम यहाँ पैराग्राफ के साथ करेंगे, कुछ और देख लेंगे। चलिए देखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमने बताया कि हमने बहुत सारे नाउन में चेंजेस करे एक वचन का जब बहुवचन कराता था, पर उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब या टू बी का जो रूप बोलते हैं उसमें भी चेंजेस होगा। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अगर मतलब एक वचन का बहुवचन करें तो हमको जहाँ एम और इज दिया है ये एक वचन के साथ आता है, जैसे कि ये आता है ही, एम आता है आई के साथ, जबकि इज आता है ही शी इट के साथ, जो एक वचन जो त्रिजो पुरुष एक पर्सन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ये आई और एम एक वचन है, तो उसके जब हम लोग बहुवचन यानी प्लूरल करेंगे तो उन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, हार कर देंगे। उसी तरह से अगर हमारा है हेज है तो हेज आता है, हेज भी आएगा ही शी इट के साथ, तो हम लोग जब हेज का तो बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यस डज डज, ये हमको पता है डज एक वचन है। कैसे डज याद आया, डज ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर थी जो पुरुष एक वचन के साथ यूज होता है, याद आया। तो डज है, डज का हम लोग क्या कर देंगे, डू कर देंगे। उसी तरह से वॉज, वॉज तो एक वचन के लिए यूज होता है, तो वॉज का क्या हो जाएगा जब हम लोग बहुवचन करेंगे तो वर। देख अब कुछ जानने वाली बात है, जैसे कि तो चेंज द सिंगुलर वर्ब इन टू, यानी जब हम लोग नाउन को बदलते हैं तो कितनी बार हमारा वर्ब भी चेंज होता है। तो कौन सा वर्ब, साधो वर्तमान काल यानी सिंगल प्रेजेंट टेंस होगा, जैसे कि अगर आपको गोज दिया होगा यानी जहाँ ही शी इट होगा या किसी पर्सन का नाम होगा ना, ही दिया होगा शी दिया होगा या किसी लड़का या लड़की का नाम होगा, यानी वो कैसा होगा, एक वचन है सिंगुलर होगा, तो वहाँ क्रिया पर भी सिंगुलर होगा यानी ही या शी के साथ गोज आता है, तो गोज है तो वहाँ गोज का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। प्लेस होगा तो प्लेस का क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। इट्स होगा तो इट्स का क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। अच्छा आर्टिकल ए और एन, अगर आपको जब एक वचन का बहुवचन करें यानी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हो, जो आर्टिकल दिया यानी आर्टिकल ए और एन हटा दिया जाएगा, आर्टिकल ध नहीं हटाते हैं, आर्टिकल ए और एन को ही हटाया जाता है, आर्टिकल ध को नहीं हटाया जाता। ओके अब चेंज इन द प्रोनाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम में चेंज, यानी चेंज कैसा, वो देख लीजिए। मान लो कि मैं जब एक वचन का बहुवचन कर रही हूँ तो मुझे आई दिया है तो मैं आई का चेंज क्या करूंगी, वी करूंगी। मी दिया होगा, मी का क्या करना है, अस करना है। माय दिया है, माय का क्या करना है, अवर करना है। तो उसी तरह से अगर मुझे ही या तो शी दिया है, दोनों के लिए एक ही यूज होगा, ही शी और कितनी बार इट दिया होता है, ही शी या तो इट दिया है, तो ये तीनों का मैं क्या करूंगी, धे करूंगी। हिम और हर, हिम या तो हर दिया है, अब याद रखना ये और हर में, ये हर में फर्क कैसे पता चलेगा, ये मालिकी वाचक यानी पोजेशन से, ये हिम और हर दिया है तो हिम और हर का हम क्या करेंगे, धैम करेंगे। उसी तरह से हिज और हर, ये मालिकी वाचक है, हिज और हर का क्या होगा, धैर होगा। अब हिमसेल्फ हर सेल्फ, तो हिमसेल्फ और हर का तो हमको पता है धैम होगा, पर सेल्फ का क्या होगा, सेल्व्स, सेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्व्स, हिमसेल्फ या तो हर सेल्फ का थेम सेल्व्स हो जाएगा। अब जब हम एक वचन को बहुवचन यानी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो दीज दिया होता है, याद रखिए ये दीज है जो सिंगुलर के लिए यूज होता है, यानी एक ही चीज होगी उसके लिए यूज होगा। तो हम जब बहुवचन में यानी प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो दीज का क्या लिख देंगे, दीज, पर स्पेलिंग चेक करिए आप, DHE होगा, यानी एक से ज्यादा चीज है, यानी दो से ज्यादा या दो हो सकती है। दैट, ये दैट भी किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर में यानी एक चीज के लिए। अब जब हम बहुवचन करेंगे तो दैट का क्या हो जाएगा, धोज। अच्छा दीज जो चीज पास में उनके लिए यूज होता है, दैट जो चीज दूर है उनके लिए यूज होता है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब मदर लव्स, यहाँ देखिए मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए ताकि आपको क्लियर हो जाए, और मैंने वर्ब के लिए अलग ही कलर यूज करा है,
जो सिंगुलर वर्ब है उनके लिए। पहले तो हम आते हैं मदर, नाउन है, मदर क्या है, नाउन। तो जो अ मदर है, तो अभी हाल मैंने बताया जैसे आपको कि जो आर्टिकल ए और एन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो मदर का क्या हो जाएगा, मदर्स। अब लव्स देखिए, यहाँ पीछे एस आ रहा है, एस मतलब साधा वर्तमान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंगुलर है, तो लव्स का क्या हो जाएगा, लव। हर महर का, अब मालिकी वाचक, कैसे पता चला, हर चाइल्ड, हर चाइल्ड मतलब उसका लड़का, उसका लड़का या उसका पोला जो भी है, तो ये हर चाइल्ड लिखा है, यानी किसी चीज पे मालिकी हक बता रहे, ऑनरशिप बता रहे, तो वो पता चल गया मालिकी वाचक है। हर, हर का जब मालिकी वाचक होता है तो क्या हो जाएगा, देयर। चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा, चिल्ड्रन। याद रखिए चाइल्ड का बहुवचन चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा, चिल्ड्रन। उसी तरह से ये थोड़ा आपको ध्यान देना ये वाले में, इसीलिए द पियानो इज एक्सपेंसिव, द पियानो, आर्टिकल द में चेंजेस नहीं होता है, याद रखिए आर्टिकल द में चेंज नहीं होगा। अब पियानो हम लोग क्या करेंगे, पता है पीछे ओ आए, ओके पहले अगर हमको एन दिया यानी व्यंजन दिया तो हम क्या करेंगे, ईएस लगा देंगे। याद रखिए पियानो का जो बहुवचन है वो पियानोज या पियानी होता है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल खास करके ये बात को ध्यान में रख के दिया था, पियानो का क्या हो जाएगा, पियानीज या पियानोज। अच्छा आपको इज दिया यानी वर्ब दिया हुआ, हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो इज है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, आर। एक्सपेंसिव में चेंज क्यों नहीं होगा, बिकॉज एक्सपेंसिव हमारा एडजेक्टिव है, यानी हमारी वो तारीफ या बुराई बता रहे हैं, यानी कुछ चीज़ के बारे में बता रहे हैं, राइट, तो उसमें चेंजेस नहीं होता है, तो एक्सपेंसिव का क्या आ जाएगा, एक्सपेंसिव, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, एक्सपेंसिव का एक्सपेंसिव ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिए। अब आता है द वुमन मेड द मैनेजर, अब द वुमन एक है, कैसे पता चला, डब्ल्यू ओ एम ए एन दिखा, मेट वुमन। अब आता है मेट, मेट मतलब ये पास्ट बता रहा है, तो यहाँ क्रियापद में चेंजेस नहीं होगा, इसलिए मैंने करा हुआ भी नहीं है। द मैनेजर, आर्टिकल द में चेंज नहीं होगा, किस में चेंज होगा, मैनेजर में, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, वुमन, वुमन का बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, द वुमन, मेट में चेंज नहीं हो रहा है, द का आर्टिकल द में भी चेंज नहीं होगा, मैनेजर का क्या हो जाएगा, मैनेजर्स, मैनेजर का सिंपल सा क्या हो जाएगा, मैनेजर्स। अब कुछ आगे के, जैसे के ब्रिंग मी वन डर्जन मैंगोज, अब यहाँ देखिए ये चेंजेस है, मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसका जो बहुवचन में यूज किया जाते हैं या उनमें चेंज नहीं किया जाता, जैसे मैंने शिप बताया था और डर्जन भी आते उसमें, ब्रिंग, ब्रिंग के हमको ऑर्डर दिया जा रहा है कि मुझे दो, तो क्रियापद में कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो जबकि जो मी है, मी, तो मी का हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अज, मी का क्या हो जाएगा, अज। अब वन, वन मतलब ये कितना है, एक है, सिंगुलर है ना, अब कैसे पता चला सिंगुलर, डर्जन दिया है यानी एक डर्जन के लिए, एक मेट के लिए दो, वन डर्जन। अच्छा यहाँ मैंगोज में क्यों चेंजेस करा है, मैंगो क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आगे डर्जन लिखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ मैंगोज लिखेंगे, मैंगो नहीं लिखेंगे, और हमको बताना था वो सिंगुलर है, इसीलिए इन्होंने आगे आगे वन लिखा हुआ है, ओके। ब्रिंग मी वन डर्जन अथवा मैंगोज, यानी मुझे एक डर्जन के लिए दो, बताने देखो डर्जन है इसीलिए मैंगोज लिखा हुआ है, और एक डर्जन बताने के लिए आगे क्या यूज करा है, हमने वन को यूज करा है। अब उसी तरह से अब आगे उसका आंसर क्या होगा, ब्रिंग मी का क्या हो जाएगा, अज, वन। अब वन से हम ज्यादा लिख सकते हैं, अगर मुझे बहुवचन बताना है तो मैं टू थ्री जितने भी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ टू लिखा है, तो ब्रिंग वन से ज्यादा टू, टू यानी हमारा प्लूरल हो गया ऑलरेडी, यानी बहुवचन हो गया है, तो ब्रिंग मी टू। डर्जन में चेंज नहीं होगा, डर्जन नहीं होता है, एस नहीं लगेगा, डर्जन का डर्जन ही रहेगा, तो ब्रिंग मी टू डर्जन मैंगो का, सॉरी मैंगोज का, मैंगोज। अब देयर वॉज अ शिप, देयर वॉज, वॉज यार ये हमारा ये क्या है, एक वचन है, अ शिप, यस मैंने बताया था ना, अ शिप, अ शिप में चेंज नहीं होगा, इन द फील्ड, तो देयर वॉज का क्या हो जाएगा, वर अ शिप, अ शिप का सिवा आप लोग शिप लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, अ हेड ऑफ शिप इन द फील्ड, ये पता, खास करके ये बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिए। और चलिए हम लोग पैराग्राफ पे जाते हैं। अब आई एम अ टीचर, आई एम, मैंने आई एम अ टीचर, मैंने यहाँ देखिए कुछ चीज को अंडरलाइन करी हुई है, किसी पे नहीं करी हुई, आई हमारा तो सर्वनाम है और एम तो टू बी का है हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए
अ टीचर। अच्छा यू आर में क्यों मैंने चेंजेस नहीं करा, क्यों? क्योंकि जो यू आर है वो एक सामने वाला वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए यू कभी चेंज नहीं होगा। जब भी आप एक वचन का बहुवचन कर रहे हो तो यू में या योर उसमें कभी चेंज नहीं करना। ओके दिस इज योर, देखिए मैंने यहाँ यू योर के नीचे कुछ चेंज नहीं कर रहा है क्लास, दिस इज यहाँ भी योर में चेंज नहीं कर रहा है। ओके अब आंसर पे आते हैं। अब आई, आई का क्या हो जाएगा? वी आई का, जैसे बिहार में ना आगे थोड़ी देर पहले ही बताया था, आई का क्या हो जाएगा? वी, और आई या एम, एम या तो इज होता है, उसका बहुवचन क्या होगा? आर, तो वी आर अ टीचर, आर्टिकल अ है तो आर्टिकल ए को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो टीचर का क्या हो जाएगा? टीचर्स। अच्छा यू आर में कोई चेंजेस नहीं करना है, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है? तो जो आर्टिकल अ है उसको हम लोग को हटा देना, तो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। अच्छा दीज, टी एच आई एस, दीज, ये दीज का जब बहुवचन की स्पेलिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, दीज का क्या होगा? टी एच ई एस ई, दीज, तो दीज, इसका क्या हो जाएगा? आर, तो दीज आर, योर में चेंज नहीं होगा। क्लास का क्या हो जाएगा? क्लासेस। ओके दैट, दैट का क्या हो जाएगा? दोस, इसका क्या हो जाएगा? आर, योर में चेंज नहीं होगा। बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स।